जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखें, यू की वैल्यू है एक्स की पावर 2/3 - 1। तो डी यू लिया मैंने, तो क्या डेरिवेटिव लिया, तो पावर पहले आ गई और पावर में से एक डिक्रीज किया, 3/2 - 1, तो ये 1/2 बनता है, और साथ में डी एफ एक्स। और इसको मैंने अरेंज किया तो ये इसको उधर लिया गया, 3/2 को उधर जाकर ये 2/3 बन गया, और ये साथ में इसको हमने अरेंज किया तो ये बन गया, और साथ में डी एफ एक्स। अब हम पुट करते हैं, तो ये देखें डी एफ एक्स और स्क्वायर रूट एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 डी यू, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर यू। तो आपको पता ही होगा कि जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आ जाए या क्यूब या पावर मतलब 2 या 2 से ज्यादा पावर आ जाए, तो हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर यू होता है 1 - cos 2x/2, इसके ऊपर होता है, ठीक है डी यू। ये फार्मूला आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 2/3, तो इसको मैं अलग अलग करता हूँ, यहाँ था 1/2 - cos 2x/2 डी एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो या चलें ठीक है, अब मैं इसकी इंटीग्रेशन लूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ये 3 है सॉरी स्टूडेंट्स, 1/2 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यू के रिस्पेक्ट यू है ना, तो ये मैंने पता नहीं क्या लिख दिया लेकिन ये यू है, तो ये आ जाएगा 1/2 u, इस तरह -cos 2x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin 2x/2, ठीक है। तो एक 2 ऑलरेडी मौजूद है, और एक 2 जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके एंगल से हम डिवाइड करते हैं तो वो भी 2 है, तो ये इस तरह आ जाएगा प्लस सी। तो ये देखें, ये मेरे पास बन जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3 u, ये माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 sin 2u plus c। तो हमने u की वैल्यू पुट करनी है 1/3, तो u की वैल्यू थी हमारे पास x की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 1/3 x^3/2 - 1 -1/6 sin, तो ये 2x है ना, 2u है ना, 2 और u की वैल्यू क्या है, x^3/2 - 1 और प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाहर नहीं आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2x^3/2 - 2, तो अंदर भी कर लें या बाहर कर लें आपकी मर्जी है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था।